वेलकम बैक टू माय चैनल आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ और आज की वीडियो में हम हम कवर करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को तो जब आपको कोई पोइट्री पेपर में दी जाती है सिंपली आपको बोला जाता है कि आपको उसे एनालाइज़ करना विच मीन्स दैट यू हैव टू फोकस इन द समरी प्लस आपको उसमें कुछ ना कुछ क्रिटिकल भी देना है क्रिटिकल मतलब आपको उसमें फिगर ऑफ़ स्पीच बताना है राइम बतानी है या फिर आपको उसमें कोई और जो पोइट्रिक डिवाइस यूज़ हो रखे वो बतानी है तो फिगर ऑफ़ स्पीच में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरीके से उसे फाइंड आउट करना है तो इस वीडियो में हम उसी को सिंपली चेक करेंगे कि कैसे आप देख सकते हो और कैसे आप ईजिली उन्हें डिटेक्ट कर सकते हो तो सबसे पहले फिगर ऑफ़ स्पीच होता क्या है फिगर ऑफ़ स्पीच एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज़ होता है जो कि एक सेपरेट मीनिंग को कंटेन करता है जो कि उसका लिटरल डेफिनेशन होती है उससे उसको छोड़ के एक सेपरेट मीनिंग भी होती है जैसे कि मेटाफर हो सकता है सिमिली हो सकती है जो कि कंपैरिजन दिखाती है इसी तरीके से एलिट्रेशन हो सकता है हाइपरबोली हो सकता है तो वो आपको पता चलेगा और इनका यूज़ कहाँ होता है लिटरेरी टूल्स का यूज़ होता है जो इंग्लिश लिटरेचर में वर्क लिखे गए होते हैं उसमें अब बात आती है कि हमारे पास कितने हैं ये जैसे कि हमारे पास एलिट्रेशन है एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है एलिट्रेशन इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द बिगनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं शी सेल सीशल मतलब कि एस 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 जो कि आप देख रहे हो तो ये क्या है बार बार एस जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है और जो साउंड है वो रिपीट हो रही है इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है उसके बाद है निक नीडिड न्यू नोटबुक्स मतलब कि एन 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 के साउंड जब जहाँ पर बार बार यूज़ हो रही है वहाँ पर आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा कि एलिट्रेशन यूज़ हो रही है इसको छोड़ के और भी है जैसे कि वॉल्टर वॉन्डर्ड वेयर विनी वॉस की डब्ल्यू की साउंड है जो वो रिपीट हो रही है अब बात आती है एनाफोरा की एनाफोरा की एग्जाम्पल क्या है या फिर वो क्या होता है एनाफोरा जो है वो टेक्निक है जहाँ पे सेवरल वर् जो फ्रेजेज हैं या फिर वर्सेज हैं बिगिन करते विद द सेम वर्ड जैसे कि आई केम आई सो आई कॉन्कर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जूलियस सीजर का है तो इसमें जो आई वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेज हो सकता है या फिर एक सा एक वर्ड्स हो सकता है जो रिपीट करे तो इसमें आई रिपीट कर रहा है तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है उसके बाद मैड वर्ल्ड मैड किंग मैड कंपोजिशन ये किंग जॉन से विलियम शेक्सपियर के वर्क में से लिया गया है तो यहाँ पर मैड 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 यूज़ हो रखा है उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम इट वॉज द एज ऑफ विजडम इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल के वर्क में से लिया गया है तो इट वॉज द इट वॉज द जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो ये इसका एग्जाम्पल है अब बात आती है एसोनेंस की एसोनेंस की एग्जाम्पल क्या है या फिर ये होता क्या है तो ये होता है रिपीटन ऑफ वावल साउंड नॉट जस्ट लेटर्स वावल जो साउंड होती है उसकी नॉट जस्ट लेटर्स और जो आपस में होते हैं टुगेदर होते हैं क्लोज टुगेदर होते हैं द साउंड डज डोंट हैव टू बी द बिगनिंग ऑफ द वर्ड की जरूरी है कि जो साउंड है वो एकदम स्टार्टिंग में ही हो जैसे कि हमने पढ़ता एलिट्रेशन में फॉर एग्जाम्पल ए वर्ड की जो साउंड बार बार रिपीट हो रही है जैसे कि फॉर द रेयर एंड द रेडियंट एंड मेडन होम द एंजल्स नीम टेरिनो तो ये रेविन से लिया गया है एडगर एल एन पो का जो वर्क है तो इसमें ए की साउंड बार बार रिपीट हो रही है अब ओ की साउंड जैसे ओ हियर ओल्ड रिटर्न ब्लो हिज़ रिचड हॉर्न तो यहाँ पे जो ओ है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे साउंड रिपीट हो रही है उसके बाद बात आती है hyperbole बोला की हाइपर बोला क्या होता है जब आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक्सेंचुरेटेड करके बताते हो जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है शी इज़ ओल्ड ओल्ड देन डर्ट कोई भी डर्ट से ओल्ड नहीं हो सकता है ना तो यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है इसमें आप और भी एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से जैसे कि कोई बोलता है कि वो जो वो जो चिटी थी या फिर जो आंट थी एलिफेंट जितनी बड़ी थी तो ये बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है मैं इतना प्यासा हूँ कि मैं पूरा कुआं पी जाऊँगा तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या बता रहे हैं कि आप उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन कर रहे हो दैट मस्ट हैव कॉस्ट अ बिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की कॉस्ट नहीं थी लेकिन हम बोल देते हैं ऐसे एक एक्सेजरेटेड करके कि हाँ इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी एव वी वन नोज दैट ये एक सिंपल सा एक्जाम्पल उसके बाद आयरनी आती है आयरनी मतलब जो कि मेनली uh, जो बोला जा रहा है और जो मतलब होता है उसके बीच में जो होता है कभी कभी हम बोलते हैं कि कोई बंदा बोल कुछ है लेकिन उसका टारगेट कुछ और है तो उन दोनों के बीच में जो होता है अपीरेंस और रियालिटी के बीच का जो डिफरेंस है बिटवीन द वट इज़ टू बी सेड और क्या उसका मतलब है उसको बता जाता हाउ नाइस शी सेड वन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड तो यहाँ पर वर्बल आयरनी का यूज़ हो रखा है अब सिचुएशनल आयरनी कब होती है जैसे कि सिचुएशनल आयरनी हमने देखी है जो टाइटेनिक था उसे बोला गया था कि वो कभी भी श्रिंक नहीं होगा लेकिन वो श्रिंक हो जाता अपनी पहली ही जो उसकी ट्रिप होती है उसी में तो ये सिचुएशन आयरनी है इसी में ड्रामेटिक आयरनी भी होती है तो ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है जो ऑडियंस होती है उन्हें पता होता है कि जो किलर है किलर किसी क्लोजेट में छुपा हुआ है किसी भी मूवी में लेकिन एक्टर को नहीं पता होता तो मतलब जो दिखा बोला जा रहा है जो दिखा जा रहा है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बात आती है मेटाफर की मेटाफर तो बहुत ही ईजी है सबको पता ही होता है पर फिर भी मेटाफर में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अनलाइक चीज़ें होती हैं जैसे कि हार्ट ऑफ स्टोन एक तरफ हार्ट जो कि सॉफ्ट होता है स्टोन जो कि हार्ड होता है दोनों को कंपेयर कर रखा है हार्ट ऑफ ए स्टोन टाइम इज़ मनी द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज शी इज़ अ नाइट आउल तो नाइट आउल नहीं हो सकती है कोई तो दो चीज़ों को कंपेयर किया लड़की को एक आउल से कंपेयर कर रखा है बात आती है ओनोमाटोपिया की तो ओनोमाटोपिया होता है एक वर्ड जो कि उसी साउंड को हमें प्रोड्यूस करे जैसे कि हम बोलते हैं क्लिक की साउंड होती है स्प्लैश की साउंड होती है बज़ की साउंड होती है या फिर धक धक के साउंड जो होती है हार्ट बीट की तो ये जो वर्ड है वो हमें एग्जैक्टली exactly बताते हैं कि उस वो जो साउंड है वो किस तरीके की है बज़ की साउंड जो बी करती है तो हमें पता है बज़ की साउंड बी वाली हो जाएगी उसके बाद बात आती है ऑक्सीमरन की ऑक्सीमोरन होता है जब दो ऐसे कॉन्ट्रोडिक्ट्री टर्म्स को आपस में यूज़ किया जाता है जैसे हम बोल देते हैं पीस फोर्स तो पीस एक तरीके से जो होती है वो बहुत ही जेंटल सी वर्ड है जो कि अपने आप बाय हार्ट को ही उसे पीस पीसफुल रहता है फोर्स जब आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जैसे हम बोल देते हैं द गर्ल नेक्स्ट डोर इज़ प्री अगली तो जो वर्ड प्रटी है और जो अगली है दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं कॉन्ट्रोडिक्ट्री हैं जो कि एक साथ यूज़ नहीं हो सकते हैं हम बोलते हैं कि जो लव है वो स्वीट सोरो है मतलब स्वीट अलग है सोरो अलग है लेकिन दोनों कॉन्ट्रडिक्ट्री है एक साथ लेकिन यूज़ हो रखा है फ्री मार्केट फ्री जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मार्केट में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती लेकिन फ्री मार्केट एक साथ यूज़ हो रखा है विच मीन्स की एक कॉन्ट्रोडिक्ट्री वर्ड है अगजी में आएंगे ये सब उसको नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन विच मीन्स कि पर्सोनिफिकेशन जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग आइडियाज़ को वो क्वालिटी दे देता है जैसे कि फ्लार्स नोटड फ्लार्स कभी भी नोट नहीं करते हैं सर नहीं झुकाते हैं जैसे इंसान नोट करता है लेकिन फ्लार्स को बोल दिया गया यहाँ पर मतलब पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रखा है द स्नो डांसड अब स्नो है वो डांस नहीं कर सकती है लेकिन ह्यूमन क्वालिटी दे दी है एक नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग आइडिया को द फॉक क्रेप्टेन मतलब कि रेंग कर अंदर आ गई तो फ्रॉ जो फॉग है वो अंदर नहीं आ सकती है द फॉग क्रिप्टिन मतलब कि फॉग अंदर नहीं आ सकती लेकिन उसको क्वालिटी दे दी विंड हाउल्ड हाउल्ड मतलब जैसे कि हाउलिंग करते हैं जो एनिमल्स होते हैं तो विंड कभी भी हाउलिंग नहीं कर सकती लेकिन यहाँ पर उसको आइडिया दे दिया एक क्वालिटी दे दी विच मीन्स यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रखा है अब बात आती है सबसे फेमस सिमली की सिमली क्या होता है दो चीज़ों का कंपेयर करना लेकिन यहाँ पर कंपेरिजन होगा लाइक like और एज लगा कर जो कि अनलाइक थिंग्स है जैसे कि एज स्लिपरी एज एल अब एज ब्लाइंड एज बैट ईट लाइक अ पिग एज वाइज एज आउल तो एज लाइक या जहाँ पर भी ये दो चीज़ें लग जाती हैं वहाँ पर सिमिल सिमली का यूज़ होता है जबकि बहुत ही सिंपल है तो ये चीज़ें आपको पता है उसके बाद बात आती है सारे डॉट की यहाँ पर ये यह तब होता है जब कोई एक पार्ट पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और जैसे कि हम बोल देते हैं व्हील व्हील रिप्रेजेंट कर रहा है कार को व्हील्स कैन रिप्रेजेंट अ कार एक जो पुलिस है वो वर्ड रिप्रेजेंट कर सकती है पूरे पुलिस मैन को हायर हैंड मतलब कि हम इतने हैंड्स को हायर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्कर्स को पर हेड हम बोलते हैं इतने रुपीज़ आपको लगेंगे पर हेड मतलब कि हेड रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल को कि आपको इतने रुपए पे करने हैं इंडिविजुअल को तो ये कुछ मेन मेन से थे जो फिगर ऑफ स्पीच जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको छोड़कर अब हम करेंगे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को जो कि इंग्लिश में मेनली यूज़ होते हैं सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने भी ये होते हैं किसी भी पोइट्री को उठा लीजिए जहाँ पर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें मिटोनमी भी इसमें होता है ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता है जिसमें आ, अपने कोई मतलब एक चीज़ को सिम्बलाइज़ किया जाता है पूरी एक कंट्री के साथ या फिर पूरे किसी एक होल आइडिया के साथ जैसे कि हम बोलते हैं वाइट हाउस तो व्हाइट हाउस क्या है वो व्हाइट हाउस सिंबलाइज कर रहा है वहाँ की जो सत्ता है उसको तो व्हाइट हाउस से हमने उसको कंपेयर कर दिया कि मैं तो उसके साथ लॉयल हूँ जो कि क्राउन पे है अब जो क्राउन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को कि डजेंट मैटर कि किंग कौन है हम जो लॉयल हैं वो सत्ता के साथ है तो जो भी किंग आएगा हम उसके साथ लॉयल रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे से एग्ज़ाम्पल्स होते हैं आप चार पांच ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए या फिर आप कोई भी पोइट्री दो तीन पोइट्री उठा के उससे एनालाइज कर लो तो जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपको कौन कौन से फ़िगर ऑफ स्पीच किस किस तरीके से देखने हैं मैक्सिमम जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो हम uh, करते हैं एक लिटरेरी डिवाइस के अंदर वो होता है एलिट्रेशन होता है या फिर सिमिली मेटाफर प्रसोनीफिकेशन होता है इसको छोड़ के बाकी एक आदे ये होते हैं जो मैक्सिमम आते हैं या फिर पूछे जाते हैं बहुत हार्डली होता है कभी कभी ऐसा होता है कि ऑगजी का पूछ लेते हैं और हमें पूछ लेते हैं कि जो वर्ड के साउंड से देता है एक ऐसा वर्ड है धक धक के साउंड है जो वर्ड धक धक दे रहा है हार्ट बीट के साउंड तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय